गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ घर पर। कल आए थे हम, लकी भी आया था मेरे साथ में और मैं, हम दोनों आए थे। और अभी किट्टू यहाँ पर सो रही है क्योंकि इसको ठंड लग रही है। मैंने इसके लिए बिछा दिया नीचे और अभी तक भी काफ़ी धुंध हो रही है बाहर। अभी टाइम पता नहीं है मेरे को क्या हो रहा है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ और दिखाती हूँ आपको अंदर सब क्या हो रहा है। लकी तो हम दोनों यहीं पर ही थे। जेरवन कर देता हूँ, दिखाता हूँ बाकी सब क्या है। बैठा हुआ है यहाँ पे, गर्दन झुकाए, नजरें छिपाए और मम्मी यहाँ बना रहे हैं खाना जो कि मेरा फेवरेट है, कड़ी की सब्जी। और रोज ही बाजरे की रोटी खाओगे तो बाटी बना दो। बाजरे की रोटी चूल्हा नहीं जलाओगे, बाहर नहीं जाओगे तो आप बाटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बाटी बना लो अंदर, ठीक है। हाँ, और धुंध भी हो रही है बाहर, क्या मतलब। तो गाइस, पिंकी के ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये गाइस बीमार पड़ी है, सो रही है ये लड़की। दिखाती हूँ मैं, ये देखो गाइस, ये लड़की बीमार है इसलिए इसके व्लॉग नहीं आ पा रहे। आप ऐसे मत सोचना कि ये व्लॉग बनाकर बस बहुत हो गया, इसका अब नहीं बनाएगी व्लॉग, ये इसलिए नहीं बना रही। ठीक हो गई है ये, और अब ये सिगड़ी जला रही है, लेकिन इसने धुआं धुआं कर दिया क्योंकि गाइस इसको सिगड़ी जलाना आता नहीं है। और मम्मी जो है, मम्मी जो है वो बाटिया बना रही है, मम्मी की कड़ी बन चुकी है। लकी गेट खोलना बाहर वाला भैया, भैया लेकिन सिगड़ी को बाहर लेके जाओ। अरे यार, यहाँ पे धुआं मत कर, कम से कम आ जा, बैठ जा, बस बस बैठ यहाँ पे, ऊपर बैठ जा। तो गाइस फूंक जा रही है लगाना। तो गाइस मेरे को आ रहा है बहुत भयंकर आलस और भूख भी लग रही है, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है कि तू मैं बना रही हूँ हलवा। मम्मी बाटी जला दी आपने, ये देखो ना क्या करूं। तो गाइस मम्मी ने बाटी जला दी है और मम्मी बिल्कुल भी अच्छे से सफाई से काम नहीं कर रही है। और अभी मेरे को जाना है दादी को दवाई दिलाने के लिए, तो मैं बस अभी निकल रहा हूँ दवाई दिलाने के लिए दादी को। स्कूटी पे जाऊंगा और वो पीछे वो देख रहा है। और मम्मी हलवा किसको बना रहे हो साहब? दिखा तो मेरी बाटी, दिखा कहाँ से जल गई ये बाटी, ऊपर से कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी ये किसका चीज का हलवा बना रहे हो आप? ये सूजी का हलवा बना, आटे का बना दे, मुझे तो आटे का पसंद है। मिला दिया मैंने, मिक्स कर दिया, मुझे सूजी का कम पसंद है, मुझे आटे का हलवा पसंद है। गाइस तो मैं जाता हूँ, माँ को दवाई दिला के लेकर आता हूँ और फिर मैं रोटी खाऊंगा। मेरे लिए बिल्कुल डन रख देना, एकदम सब्जी वब्जी सब बन जानी चाहिए। और ये यहाँ पे खा रही हूँ खाना। ये है बाटी और इसमें घी ढला हुआ है और कड़ी है। और ये है हलवा जो कि मम्मी ने बनाया था, काफ़ी अच्छा है। तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। बाकी सब जो है वो बाहर धूप में बैठे हुए हैं और लकी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है अच्छे बच्चे की जैसे। यहाँ पर क्योंकि मम्मी ने सुबह बनाया नहीं था खाना, लेट हो गए थे इसलिए। और वो पिंकी वहाँ पर लुगड़ी के लेस लगा रही है और दादी को मैं दवाई दिला के यहीं पे ले आया था। और किट्टू यहाँ पर पड़ी है, ला रही मम्मी ला रही। और लक्की का काम हो गया है और मम्मी डैडी के हलवा लेकर आ रहे हैं और मैं हूँ यहाँ। किट्टू और ये आए हैं, ये मम्मी के साथ खेत में गई हुई थी, तो वो वाली वीडियो आपको इसके इसके व्लॉग पे मिलेगी देखने के लिए। मेरे व्लॉग को मैंने नहीं बनाई है। और लकी यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था। और मम्मी जो है वो गाय के पास है, गाय का काम हम कर रहे हैं। और मैं जो हूँ फ्री फोकट, खाली फोकट यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस खाली फोकट तो नहीं है गाइज, मैंने बहुत काम करा है, मतलब सब्जी की तैयारी करके रख दी, चूल्हा जला रही थी लेकिन चूल्हा मुझसे जला नहीं इसलिए मैंने उसको जलाया ही नहीं। और ये किट्टू यहाँ पर आ गए। किट्टू बेटा, किट्टू ए किट्टू जा, एम मोटा की मम्मी यहाँ पे बैठ गई है दाल बनाने के, लेकिन मम्मी से चूल्हा नहीं जल रहा है, जल गया, नहीं जल रहा है, तो फूक फूक कहते हैं उसको, धुआं हो रहा है, फूक मारो। और ये लड़की ने अभी अभी खाना खा के वहाँ पे कटोरी रख दी है और अपनी शक्ल दिखा रही है, वो भी नहाई नहीं है इसलिए इसकी शक्ल गंदी हो रही है। क्या समझा लो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और ये दांत निकाल रहा है, ही कर रहा है गंदा। वो चूल्हे के पास बैठ गए और फोन चला रहे अपना अपना, फोन में बिजी है देखो। और ये लकी टिंचू को देख रहा है, मेरा नाम टिंचू ही है। मम्मी अब बना रही है बाजरे की रोटियां और दाल बनी है और लकी मम्मी के पास बैठा हुआ है और किट्टू भी यहीं बैठी हुई है हमारे पास में क्योंकि इसको ठंड लग रही है गाइस इसलिए। और पिंकी जो है अभी अभी अंदर गई है, जस्ट पता नहीं कुछ काम करने गई होगी और अंधेरा हो गया है और हम यहाँ बैठे हुए हैं गए हैं। और यहाँ पर पिंकी भी खाना खाने के लिए बैठ गई है, हाथ में घी ले रखा है, बस घी घी खा ले और बस और कुछ नहीं खाना। और यहाँ पे लकी खाना खा रहा है और मम्मी की रोटी अभी तक भी बनना खत्म नहीं हुई है। मम्मी कितनी रोटी बनाओगे यार?
गाइस इन लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब ये जा रहे हैं अंदर और डैडी और लकी, मतलब डैडी हमको छोड़ने जा रहे हैं, लकी को और मेरे को, क्योंकि हम जा रहे हैं इस बर्थडे पार्टी में। क्या तो अभी चलते हैं आगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए और डैडी और हाँ हम पैदल ही जा रहे हैं, डैडी और लकी आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट करण का कॉल आया था कि हमको बर्थडे में जाना। डैडी तो पीछे टॉर्च करना यार, वो मैं गिर ना जाऊंगी कादे वादे में, नीचे नीचे पैरों में। हाँ ओके चलो। सो गाइस अभी जस्ट करण का कॉल आया था कि हमको बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में लकी और मैं। तो मैंने डेढ़ सौ पहले रेडी हो लिया फटाफट, अभी कॉल आया वो बाहर खड़ा है, तो हम चलते हैं फटाफट से और फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर चलते हैं बर्थडे में। ओके करण आ गया है हमको लेने के लिए रस्ते में और डैडी को हमने बाय बाय कर दिया है। गाड़ी कहाँ खड़ी है, वो कितना आगे खड़ा कर रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी बर्थडे पार्टी में, तो ये और ये लकी है यहाँ पे। गाइस हम देखो बैठ गए हैं गाड़ी में और ये मम्मी और लकी आगे बैठे हैं और यहाँ पे भी दीदी है और ये दीपा दीदी है और आगे गाड़ी चला रहा है। गाइस फाइनली ये सब आ गए हैं और जा रहे हैं अंदर। कौन है कौन है ऊपर? यार मेरी वीडियो बनाओ ना यार, मैं वीडियो बनाओ ना यार, सौरभ वीडियो बनाने यार, लेना फोन पकड़। अरे फोन पकड़ने में जा रहा हूँ, धोखा हूँ। तो गाइस ये हो रहा है मिलन, नहीं पड़ेगा। तो गाइस ये बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। यार बर्थडे वाले दिन भी काम करना पड़ता है क्या? ये लकी लकी भाई आया भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। हम जा रहे हैं ऊपर मामी जी से मिलने के लिए, ऊपर खाना बना रहे हैं वो, ये है छत पे यहाँ पे बैठे हुए हैं पटेल। हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी, वीडियो बना रही हूँ आपकी। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है खाना। तो गाइस यहाँ पर ये लेटे हुए हैं और इस रूम में यहाँ पर लग गया टीना का केक और ये बैठे और ये दीपा दीदी फोटो शूट कर रहे हैं। अभी फोटो शूट चल रहा है, उसके बाद केक कट होगा। और यहाँ पे और है कैमरामैन वूमेन वूमेन। अच्छा ये लाइव चल रहे है और टीना का मोबाइल नहीं, तो उनको बुला लेते हैं ना। और ये गुड्डी और ये लक्की यहाँ पर है और वो है सौरभ। क्या है बाबू आज बर्थडे किसका? टोनू नहीं दीदी, क्या बोलेगा दीदी। और ये पत्थर दिखाना, ये देखो केक खाने के भूख के, केक कटा नहीं भिखारी पहले आ गए। ये देखो भिखारी पहले आ गई, केक तो कटा ही नहीं। गाइस बर्थडे गर्ल अतरंगी गिफ्ट देते हुए, टीना को समय ना अतरंगी गिफ्ट दो, मतलब
तो गाइस फोटो खिंचाने के लिए सब आ गए हैं यहाँ पे। उन्होंने देख लिया पहले तो गाइस नानी वानी सब आ रहे हैं केक कट करने के लिए और यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। Happy birthday to you.
पैरून बेइज्जती डर भी रहे बोल भी रहे देखो 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 बाबा तो बोल रहे थे नहीं गाऊंगे यहाँ गा लो बन रही आओगे बोल सकता मैं नाम पढ़ जाती हूँ।
खिंचा ली ना चलो हजार का नोट तो बंद हो गया लगी तो पापा जाएगा मेरे साथ ये तो किताब किताब लेके नहीं ये ना तो यहीं पे काम करा लेकिन मेरे मोबाइल में था ना काम तो मैं गई थी घर पे तो फिर मैंने तू चलते वही करा दूंगी दिन में मैंने तू पूछा रात को जाएगा क्या तुझे मना कर दे नहीं जाऊंगा मैं उनका वहाँ यही रह ला अब तू नहीं जा रहा था अभी बोला मैंने इनको आज बोला शाम को तो जाएगा तो मैं छोड़ गया हूँ तेरे को बोले नहीं जाऊंगा मैं तो बाबू डांस करना बाबू बाबू डांस कर डांस कर बाबू डांस कर टीना इस केक को भी तो काटना चाहिए था ये तो ऐसे रख दिया ये पापा और के सर काटेंगे अच्छा ऐसा है क्या दीपा जी ऐसे बोलो हमने तो गिफ्ट दिए ना अभी केक के लिए प्लेट ले लेकर आ गए हैं सब लोग और ये केक
दे रहे हैं सबको काट काट के। बैठ गए सब वापस सबसे पहले आके बैठ गया। इसको डर के मीन लग गया। भाग तो बैठो टाटा मत करा जा। सो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ। मैंने ड्रेस वेस चेंज कर ली है और मम्मी डैडी यहाँ पर है, सोने की तैयारी कर रहे हैं जस्ट। हाँ, और पिंकी यहाँ पर सो रही है तो मैं पिंकी के पास होऊंगा। तो गाइस व्लॉग को यही पेंड कर दे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।